हेलो फ्रेंड्स दोस्तों, देखिए हम आज जियोनी M2 का इसमें आप दो सॉल्यूशन करने वाले। एक जो सॉल्यूशन हम आपको बताएंगे कि अगर इसमें एक चार्जिंग का सॉल्यूशन भी है और दूसरा सॉल्यूशन इसके अंदर रिंगर सॉल्यूशन है, रिंगर सॉल्यूशन किस तरीके से और चार्जिंग का सॉल्यूशन किस तरीके से। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से हम ये जानने की कोशिश करेंगे और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप ये वीडियो को पूरी देखें ताकि आपको फुल इन्फॉर्मेशन इसकी मिल सके। ठीक है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हमको मीटर को बज़र की रेंज पे रखना है, बीप बज़र की रेंज पे मीटर को हमको रखना है। ये जो होता है डायोड जहाँ पे हम चेक करते हैं। दूसरी बात, ये जो यहाँ पे रिंगर है, रिंगर का पोर्शन है, देखिए दोस्तों हम यहाँ पे सबसे पहले तो सप्लाई चेक कर लेते हैं। इसको ग्राउंड करने के बाद एक को हमको ग्राउंड करना है और एक ये देखिए यहाँ पे जब हम लगाते हैं चेक करते हैं तो दो में से कहीं भी सप्लाई नहीं आ रही है। ठीक है दोस्तों, तो सप्लाई ना आने का रीज़न क्या है, तो रीज़न हम आपको बताते हैं। रीज़न ये है कि देखिए दोस्तों, ये जो इसका बेल्ट है, ये जो इसका बेल्ट होता है, ये ब्रेक होने की वजह से कट जाने की वजह से ऐसी कंडीशन में, क्योंकि ये जो सप्लाई यहाँ से रिंगर, चार्जर और वाइब्रेटर, इन तीनों की सप्लाई इस बेल्ट के माध्यम से आती है। तो अगर ऐसी कंडीशन हमारे साथ में होती है कि अगर बेल्ट ऐसी कंडीशन होती है कि अगर ये बेल्ट ख़राब हो जाता है, तो इस कंडीशन में प्रॉब्लम आ सकती है चार्जिंग की, रिंगर की और वाइब्रेटर की। अगर ये तीनों नहीं चलते तो इस कंडीशन में हमको जंपर से इसका सॉल्यूशन करना है। तो देखिए दोस्तों, तो सबसे पहले हम यहाँ पे रिंगर सॉल्यूशन देख लेते हैं, उसके बाद हम आपको बताएंगे चार्जिंग का सॉल्यूशन। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको क्या करना है, ये वाली जो स्ट्रिप है इसको पहले हटा लेना है बिल्कुल केयरफुली। केयरफुली हटाना है बिल्कुल, क्योंकि दोस्तों इसके पास में इसका सॉकेट लगा हुआ है। तो देखिए दोस्तों, हमने इसको इसके पत्ते को रिमूव कर लिया है, हमने जम्पर भी बना दी है। और जम्पर लगाने के बाद हम आपको एग्जैक्टली बता देंगे कि जम्पर कहाँ पे हमको लगाना है। पहले हम आपको ये जम्पर को बना देते हैं। देखिए दोस्तों, हमने इस जंपर को बना दिया। मैं आपको अब एग्जैक्टली बता देता हूँ कि आपको कौन सा जंपर कहाँ पे लगाना है और क्यों लगाना है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो आपको दिख रहा है वो आपको एक दिख रहा है स्पीकर माइनस, ये वाला जो जंपर आपको यहाँ पे जो पहले इस ट्रैक को, इस पत्रे को आपको हटा लेना, उसके बाद में माइनस वाला जो जम्पर आपको लगाना है, ये आईसी जो लगी हुई, देखिए ये आईसी के पास में आपको दो रेजिस्टेंस मिलेंगे जिनकी वैल्यू दोनों तरफ बजर बजता है, टॉप
तो आप दोनों में से कहीं पे भी एक पे लगा सकते हैं, फर्स्ट वाले पे, फर्स्ट पे लगा सकते हैं आप। देखिए फर्स्ट पे आपको लगाना है माइनस और सेकंड वाले पे लगाना है आपको प्लस। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से ये जो सॉल्यूशन है आपका वो तो हो गया आपके रिंगर सॉल्यूशन। देखिए आपको ठीक है, ये आईसी के जस्ट पास वाला पहला और दूसरा, पहला माइनस और सेकंड वाला है वो प्लस, ये सॉल्यूशन आपका इस तरीके से रिंगर सॉल्यूशन हो जाएगा। देखिए हम इसको एक बार इसकी सप्लाई को चेक कर लेते हैं अब कि इस पर सप्लाई जो पहले नहीं आ रही थी, इस पर सप्लाई आ रही है या नहीं आ रही है ना। ये देखिए दोस्त, तो पहले सप्लाई नहीं आ रही थी, अब यहाँ पे सप्लाई आ चुकी बेल्ट की प्रॉब्लम की वजह से। यहाँ पे अगर प्रॉब्लम आती है हमको तो हम इस तरीके से इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। ठीक है दोस्त, ये तो हो गया आपका रिंगर सॉल्यूशन। दूसरा मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ और बता दूँ, अगर इसी तरीके से अगर आपको प्रॉब्लम आती है चार्जिंग, क्योंकि बेल्ट से चार्जिंग भी कनेक्ट है, हो सकता है चार्जिंग का भी आपको प्रॉब्लम आए, तो आप यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो हमको ये जो चार्जिंग सॉकेट हमारा होता है इसका जो प्लस, हमको यहाँ पे इसमें चार्जिंग को कनेक्ट करके इसका प्लस देख लेना, प्लस कहाँ पे, यहाँ पे प्लस है, तो यहाँ से हमको एक जम्पर बनाना है प्लस से, और प्लस से जम्पर बना के हमको ये देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये दिख रहा है आपको वी बस लिखा हुआ दिख रहा है, वी बस पे चार्जिंग सॉकेट के प्लस से वी बस पे आपको सीधा जम्पर लगा देना है। ठीक है दोस्तों, और जो फर्स्ट तो आपका प्लस होता है यहाँ पे, और लास्ट वाला आप ग्राउंड होता है। आप फर्स्ट वाले को प्लस और लास्ट वाले को ग्राउंड कर सकते हैं, चाहे तो ग्राउंड आप यहाँ पे कर सकते हैं अगर यहाँ पे ग्राउंड आ रहा है तो, नहीं तो यहाँ पे जम्पर बना के आप ग्राउंड कहीं भी लगा सकते हैं। दूसरी एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपको इसका यूएसबी अटैच करना है, क्योंकि ये जो सॉल्यूशन है वो सिर्फ चार्जिंग का है, अगर आपको यूएसबी भी अटैच करना है तो यहाँ पे जो पॉइंट दिख रहा है आपको, देखिए ये जो पॉइंट चार यहाँ पे आपको नज़र आ रहे हैं, इसके अलावा वो चारों पॉइंट आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे। देखिए मैं आपको वो भी आपको बता देता हूँ, कभी आपको सॉफ्टवेयर का कोई प्रॉब्लम अगर आता है तो ये आप देखिए यूएसबी प्लस, यूएसबी माइनस, और ये दो आरएक्स टीएक्स करके जो है ये। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से आप अपने दोनों सॉल्यूशन कर सकते हैं, चार्जिंग का और रिंगर सॉल्यूशन। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं हमारे कमेंट्स बॉक्स में। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।